हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरू यारू 2023 के प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने नंबर पर आरू प्रिया आपका सेफ हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इन तीन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, आई होप आपके काफी डाउट्स इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की एक्यूरेसी सेम नहीं होती है। हो सकता है कि आप 140 में से, जीएस की बात मैं कर रहा हूं, 140 में से हो सकता है कि आप 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हो सकता है कोई इंसान 125 अटेम्प्ट करे। दोनों के जो सही और गलत का रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है कि आप 30 गलत करें, आपका जो फ्रेंड है वो 25 गलत करे, या 40 गलत करे, या 15 ही गलत करे, और वो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा अटेम्प्ट करे। तो इसलिए जो एक्यूरेसी होती है इंसान की वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो जो क्वेश्चन का नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। इसीलिए पहले से ये बात आपको बताई गई थी और बताया जाता है कि आप 2-4-5 टेस्ट देकर के शफल करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए कि कभी जैसे 140 में से आपने पूरा अटेम्प्ट किया, देन आपने कभी 120 किए, कभी 25 किए, कभी 115 किए, कभी 135 किए। तो उससे क्या होता है कि आप ये देख पाते हो कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ना। तो इससे आपको पता लगता है कि अच्छा ठीक है, जो एंड गोल है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। देखिए, एंड गोल क्या है कि आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। आप चाहे 135 अटेम्प्ट करो, चाहे आपका फ्रेंड 115 अटेम्प्ट करे, लेकिन अगर दोनों कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो वन एंड द सेम थिंग है, बिकॉज एंड गोल यही है कि आप किसी तरह से प्रीलिम्स क्लियर कर लो। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं, नहीं दिए हैं तो कम से कम एक दो टेस्ट तो दे लो, और उसमें आप ये देख लो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं नेट में, नेट करेक्ट कितना हो रहा है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जिन लोगों ने टेस्ट पेपर दे रखे हैं, आई होप कम से कम 99% लोग ऐसे जिन्होंने 2-4-5 टेस्ट तो दिए ही दिए, तो कम से कम उनको एक नॉर्मल बेसिक आइडिया जो होता है ना, बेसिक रोड मैप, वो तो उनको पता ही है कि ठीक है, अगर मैं इतने अटेम्प्ट करता हूं या अगर मैं इतने अटेम्प्ट यहां से करते हूं तो मेरे इतने सही होते हैं, इतने गलत होते हैं, और मेरे अभी यहां पर इतने नेट में गलत हो रहे हैं और इतने सही आ रहे हैं। ये एक मोटा मोटा आइडिया पता चल जाता है। तो ये आपको पहले से एग्जाम के पहले देख के जाना है। एक आपके पास बेसिक रोड मैप होगा तो जब एग्जाम में पेपर आएगा ना, तो वहीं के वहीं फिर आप ये चीज एनालाइज करो कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, लेवल कैसा है। लाइक अगर आपको इजी टू मॉडरेट लगे, मॉडरेट टाइप का लगे, मीडियम पेपर लगे बेसिकली, तो आपको अकॉर्डिंगली फिर लेना है। अगर आपको लगे नहीं बहुत टफ है तो थोड़ा सा हाथ खींच करके करना है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर जाओ फिर जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप तो सोच के घर से गए थे कि मुझे 135 करने हैं, मुझे 130 करने हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, ये डिसीजन मेकिंग आपको वहीं करनी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप अपनी एक्यूरेसी आज के आज देख लीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप 70%, 80%, 90% कितनी एक्यूरेसी आपकी आती है। लाइक अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 10 में से आपके कितने सही होते हैं। तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा और उस आइडिया के साथ आपको चलना है। तो इस हिसाब से फिर भी अगर एक एवरेज देखा जाए, मतलब इफ़ यू आस्क मी, आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 130 से 135 के बीच में अटेम्प्ट करो। बिकॉज देखो यार, कंपटीशन बहुत है, सिंसियर कैंडिडेट ऑब्वियसली उसमें कम है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा। और स्पेशली तब जिस व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, लाइक अगर आपने 1-2 महीने से 2.5 महीने से पढ़ाई शुरू की है, सिर्फ और सिर्फ पहले का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपके पास नॉलेज बेस थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू दोज पीपल जो 3-4 साल से लगे हुए हैं या 2 साल से रिलीजियसली लगे हुए थे फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है ना, उसको आप अप्लाई कर पाते हो। आपको बहुत सारी चीजें आपने कहीं पहले पढ़ी होती है, वो थोड़ा बहुत लगा के आप एलिमिनेट कर ले जाते हो एंड आपका आंसर आ जाता है एंड योर वर्क इज डन। इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा 130 से 135 के बीच में, बाकी अगर वहां पर टफ है तो वहां पे उसके हिसाब से मैनेज करना। बहुत सारे लोग मैंने उनको देखा है कि 115-120 ही अटेम्प्ट करते हैं। अब आपने 20 क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ दिए तो उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग लगाते ना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप कर ले जाते, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है और वो वहां पर जब आप कुछ ना कुछ ट्राई करते हो तो ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्लू होते हैं कि उनके थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हो। यही होता है एप्टीट्यूड, कि आपने पेपर को सॉल्व करना सीख रखा है, आपके पास वो स्किल है, तो जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई करते हो। आपने इतना पढ़ाई की हुई है, मेहनत की हुई है, तो कम से कम अटेम्प्ट तो करो। अब आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया और सपोज आपने 25 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने 115 अटेम्प्ट किए, 25 छोड़ दिए, उस 25 क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है फिर। लाइक आपको उसमें कुछ नहीं मिलना। और ऐसे क्या है कि अगर आपने 135, 130, 134 तक अटेम्प्ट लिए तो हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत हो, लेकिन जब भी कभी आप देखोगे तो आप ये पाओगे, रियलाइज करोगे कि आपका जो नेट में क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बड़े हैं, आपके नंबर बढ़ेंगे। प्राइमा फेसी आपको लगेगा यार मेरे 5 गलत हो गए, लेकिन 5 के साथ में जो 6 सही हुए, 8 सही हुए वो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अच्छे से रखा है बट वो एग्रेसिव नहीं है, रिस्क नहीं लेते, उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम होती है। लाइक उनको लगता है यार इसमें मैं श्योर नहीं हूं, मैं नहीं लूंगा, वो वहां पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड गेम जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। बात आती है दूसरा क्वेश्चन कि सेफ कितना है, कितने नंबर पर आरोपी सेफ होगा। देखिए, ये बात आपको समझनी है कि अगर आपको ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए, ये सिचुएशन नहीं चाहिए कि आप एग्जाम के अगले दिन इधर उधर 10 जगह पर कट ऑफ देखो और आपके 128 बन रहे हो, 125 बन रहे हो, देन आपको लग रहा हो कि मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या मेरी जो भी एक है उसके अकॉर्डिंग, मेरे जितने नंबर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, मैं कितना कम है, कितना ज्यादा हूं, तो फिर आप कम से कम 135 का रखिए। आपको पता है कि कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिसमें आयोग अपनी आंसर की अलग देता है, उसमें यू डोंट नो कि क्या आंसर है, क्या होगा, या आयोग इसको क्या कंसीडर करेगा, एंड मॉडिफाइड आंसर की आती नहीं है, तो यू डोंट नो कि कौन सा आंसर चेंज हुआ है एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इसलिए आप अगर सेफ खेलना है तो आप कम से कम 135 का रखिए। बाकी अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पेपर नॉर्मल आता है, और यू नो देखो पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये बात समझो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन जो एक प्रीवियस ईयर जो रहता है, जैसे मान लो कि लास्ट में 2021 में जब हुआ, उसके पहले जब हुआ, तो उससे आपको एक आइडिया रहता है कि यार इसकी 130 तक जाती है, 129 तक जाती है, तो उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी थोड़ा देख लो कि यार मेरी, अब जैसे EWS है, उसमें सपोज अगर 2 नंबर ज्यादा जा रही है तो इंसान थोड़ा देख के जाए कि हाँ यार मुझे थोड़ा सा और संभाल कर अटेम्प्ट लेने हैं और इस हिसाब से मुझे अपनी एक्यूरेसी रखनी है कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब थोड़ा देख के जाया जाता है। बाकी वहां पर जैसा पेपर आएगा, जितने लोग पेपर में बैठेंगे, फिर जैसा एग्जाम होगा, तो वो मेजोरिटी बेसिस पर डिसाइड होती है, लाइक वो मार्क्स लेवल पर डिसाइड होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सेफली खेलें तो आप 135-140 का एम करें एंड उतना करें तो
आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा। लाइक अगले दिन आओगे एक दो दिन का ब्रेक लेकर अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर सकते हो फॉर मेंस। लेकिन अगर आपके 125 बनना है, 127 बनना है, 128 बनना है, यू डोंट नो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जो कोनंड्रम है, एक जो पजल वाली सिचुएशन होती है ना, पता ही नहीं रहता कि भाई होगा नहीं होगा, वो रहेगी। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो 135 तक खेलो, बाकी आपको अपने हिसाब से देखना है। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है। इसके अलावा आपको जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। वो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। देखो यार, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए पहला एक थंब रूल जान लो, मतलब ये सबसे बेसिक है। एग्जाम हॉल में घुस रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, आपका एक तो टाइम बचेगा, और इस वजह से अगर ये चीज़ जानते हो और इंप्लीमेंट कर जाते हो, दो से तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा से कर ले जाओगे। कैसे करोगे बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात ये जान लो, 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, जिस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं पता उसको पहले ही हटा दो, उसको अपनी जिंदगी से अपने दिमाग से निकाल दो। उसमें चारों ऑप्शन नहीं पता, आपने पढ़ा भी नहीं है, कहीं सुना भी नहीं है, कहीं देखा भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि आप इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे और इसमें अटैम्प्ट लोगे और आपका सही हो जाएगा, नेगलिजिबल चांसेस है उसके। बहुत आपकी किस्मत अच्छी है, आपने कोई तुक्का उक्का लगाया, गेस लैंड वो सही हो गया, बात अलग है। जब आपको नॉलेज है ही नहीं उसके बारे में तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग तो कर नहीं रहे हो, आप रैंडम तुक्का लगा रहे हो, एंड रैंडम जो तुक्का होता है वो सही नहीं होता। आपने अगर किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, तो वो इंटेलिजेंट गेसिंग होती है, वो डायरेक्ट गेस नहीं होता है, वो तुक्का नहीं होता है, वो आप हैवजर्डली नहीं लगा रहे होते हो आंसर, रैंडम नहीं होता है वो, उसके पीछे कोई रीजनिंग होती है, लॉजिक होता है कि हाँ भाई ये मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, इसमें ये है तो इसका ये हो सकता है, वो भी श्योर नहीं होता है, हो सकता है। तो वो प्रोबेबिलिटी का गेम आता है, उसमें आप जीतते हो। तो ये बात ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन में से अगर एक भी ऑप्शन नहीं पता है उसको पहले हटा दो। तो उससे क्या होगा, सपोज अगर ऐसे पांच क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन में से 140 में से पांच हटा दिए, अब आपका जो गेम है ना वो पूरा 135 पे है, तो आपको पता रहेगा कि भाई मेरे पास 135 ही क्वेश्चन है, मेरे पास है ही नहीं 140। तो आप उन पांच क्वेश्चन को पहले हटा दो, उनको दोबारा दोबारा देखना भी नहीं है, मैटर ही नहीं करता कि भाई क्या है क्या नहीं है, नहीं आता है वो, उसमें दिमाग लगाने कोई मतलब नहीं है। जो बाकी क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वहां दिमाग लगाओ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप दो ऑप्शंस के बीच में डाउट फॉलो, यानी कि अगर ए और सी के बीच में आपको डाउट है और बाकी दो आपने हटा लिया, एलिमिनेट कर लिया, हर क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है इस तरीके का। अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके अटेम्प्ट भरेंगे ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो या तो आपने हर चीज इतना टिप पर रट रखी हो, लाइक आपकी नॉलेज बेस इतना तगड़ा हो, हर चीज एकदम आपकी क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर आपके सामने सिचुएशन आएगी नहीं कि लाइक आप दो ऑप्शन के बीच में डाउट फॉलो। लेकिन ये सिचुएशन आती है, बहुत आपने अच्छे से पढ़ाई की ना, तभी आपको ऐसी डिसीजन मेकिंग वहां पर एग्जाम हॉल में करनी पड़ जाएगी कि ए और सी, बी और डी के बीच में ऑप्शन में होगा, वहां पर आपको फिर लेना है, क्योंकि वहां पर 50-50% प्रोबेबिलिटी है। और जनरली क्या होता है कि जब इस तरीके के ऑप्शंस के बीच में यू आर डाउटफुल, कि जिसमें ए और सी के बीच में चुनना है, ए और बी के बीच में चुनना है, वहां पर क्या होता है, जनरली 10 में से 7-8 बार आपका सही हो जाता है, 6 बार तो सही हो ही जाता है जनरली, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हुई है तो। इसलिए जिनमें भी दो ऑप्शंस के बीच में डाउट है वो हमेशा करो। तीसरी चीज ये होती है इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, कि आपको दिमाग में रखना है कि आपको गलत कम से कम करने हैं। ये पेपर में जैसे देने जा रहे हो ना, एंटर कर रहे हो एग्जाम हॉल में, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मुझे कम से कम गलत करने, कम से कम गलत करने। उससे क्या होगा ना कि जो सिली मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कि आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, नॉट वाला नहीं पढ़ा, कि इसमें नॉट वाला पूछा था आपने उसको सही वाला मान लिया, या जैसे कई बार आपने लोगों से देखा होगा कि उन्होंने पेपर में तो सॉल्व किया लेकिन उस क्वेश्चन को उन्होंने ओएमआर में उसका आंसर बबल नहीं किया। तो ये सब जो बच्चों वाली गलतियां होती है ना, छोटी छोटी गलतियां, ये कमिट नहीं करनी है, ये ब्लंडर है, ये अगर आपने किया तो आप पहले ही बाहर हो। क्योंकि अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे कर दिया ना, तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें यू आर श्योर, वो आप गलत नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले जब पेपर देने, जब आप जैसे आप एंटर करोगे एग्जाम हॉल में, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको आपको पिक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले शुरू किया, आप एक से लेकर 140 तक जा रहे हो, एक एक करके कर रहे हो ना, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। आपको पहले ये देखना है आपको उसमें से क्या आता है। 140 में से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 50 कर लो, 60 आ रहे हैं 60 कर लो, 70 आ रहे हैं 70 कर लो, जितने आए उतने कर लो, जल्दी कर लो और ढंग से कर लो, और उनको एमआर में फिल कर लो जो भी आपकी चीजें। देन उसके बाद जाओ टफ क्वेश्चंस पे, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ इनको लेकर के यू आर नॉट श्योर। उससे क्या होगा कि जब आपने कुछ सही क्वेश्चन को कर रखा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि ठीक है, चलो मैंने 70 कर लिए हैं, मैंने 75 कर लिए, मैंने 80 कर लिए, और मुझे यहाँ से कम 20 और करने हैं, फिर इस तरह से कुछ कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, तो मेरा एक जो अप्रॉक्स स्कोर है वो 85-90-80 मतलब इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले सही नहीं किए होंगे और पहले ही डिफिकल्ट वाले पे कूद जाओगे, तो एक तो आपको उसमें समय लगेगा, क्योंकि अगर वो आपको आता होता तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, आपको नहीं आता है उसमें, उसको लेकर के आप इतना श्योर नहीं हो, इसलिए तो वो टफ है ना आपके लिए, इसलिए तो डिफिकल्ट है। तो वहां पर आपको टाइम लगेगा, तो आपको धीरे धीरे पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतनी जल्दी आंसर निकलेगा नहीं, और फिर आपका दिमाग, आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें पूरा ड्रेन होगी। इसलिए ध्यान रखना है, पहले इजी क्वेश्चन को करो, उनको एकदम दबा लो, उनके ऊपर चढ़ जाओ, उसके बाद में देखो कि जो सबसे ऊंचा किला है, जो सबसे टफ क्वेश्चन है, उनको कैसे भेजना है, उसकी दीवारें आपको कैसे गिरानी है, और जो वेपन आपके पास है, यानी कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है इधर उधर से, उसको देखो कि कौन सा ऐसा हथियार है, कौन सी ऐसी चीज है जिनसे आप ये किला भेज सकते हो, गिरा सकते हो। तो वहां तक पहुंचो, रास्ता खोजो, ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, कैसे मैं, कौन सा ऐसा मैं तरीका लगाऊं कि मैं वहां तक चली जाऊं, ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद में कंफ्यूज नहीं होना होता है, दो ऑप्शंस के बीच में डाउट है, पहली बार आपने देखा प्राइमा फेसी आपने जैसे देखा, तो अगर आपने देखो होता क्या है कि अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है ढंग से, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक आपने सोते सोते पढ़ा, आप पढ़ रहे थे बट उस टाइम पर आपका दिमाग फोकस कहीं और था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपने अगर सिंसियरली गंभीरता के साथ किसी चीज को फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रखा है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में देखो ऐसे आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये भी है वो भी है ये भी है, ऐसे कोई चीज रिकॉल करोगे, किसी से बात करोगे तो और स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज ऐसे याद नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन देखोगे, वो चीज आपने जब अगर ढंग से पढ़ी हुई होगी, तो आपका दिमाग आपको एक बार सिग्नल जरूर देगा, आपको लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको आ रहा है। तो जो प्राइमा फेसी पहली बार में पहला दूसरा जो आपको आंसर दिखे,
उसके साथ जाओ, अगर गलत भी होगा ना तो उसको ले लो, लाइक उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है चलो गलत हो गया ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी जो अंदर से आपकी जो साइकी है, जो आपके अंदर से चीज आ रही है, जो इंटीट्यूशन है इसका ये होना चाहिए, उसको पकड़ना सीखो। अगर आपको ये लगेगा पहले आपने पढ़ा आपने उसको नहीं किया, फिर आपने ओवर थिंक किया, ओवर थिंक करके आपको लगा ये भी सही लग रहा है, फिर ये भी सही लग रहा है, फिर जब आप दोबारा सेकंड राउंड लोगे ना या दोबारा तिबारा उसको पढ़ोगे तो यू विल सी कि ये तो फिर इसमें लग रहा है कि डी होगा, इसमें लग रहा है ए होगा, फिर वो जब ऑप्शन उसके बाद जब इतना ज्यादा दिमाग लगाने के बाद जब आप ऑप्शन ऑफ करोगे आपका गलत निकलेगा। और ये आपके साथ होता है, जितने भी लोग एक या दो नंबर से तीन नंबर से बाहर होते हैं ना, वो सबसे पहले अगर उनको विश्वास ना हो तो वो जाकर के पेपर एनालाइज करें, उन्होंने किया नहीं है तो उनको ये चीज़ इन डेप्थ नहीं पता लगती है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को करेंगे तो वो पाएंगे कि उनको वो चीज़ आती थी, पहले वो सही ऑप्ट कर रहे थे, कम से कम 10 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस में उन्होंने क्या किया कि ओवरथिंक किया एंड बाद में उसका आंसर बदल दिया। उनको जैसे उन्होंने क्वेश्चन देखा उनको पता था ए है इसका, ए लगाने जा रहे थे, जब उन्होंने फिल करने जा रहे थे उनको लगा यार बी लग रहा है, बी लग रहा है, मैंने पढ़ा था बी लग रहा है, उससे बात हुई थी, उसने सी, उसने बताया था तो ये सी होगा इसका, पता लगा आपने सी लगा दिया और बस वो गलत हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आधी जनता बाहर होती है, आधी जनता जितना भी बॉर्डर लाइन के आसपास के लोग ना वो सब इसी वजह से बाहर होते हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं। और ओवरथिंक क्यों करते हैं, बिकॉज उनकी जो एक्यूरेसी है जहां पर उनको रिवीजन की जरूरत थी वहां पर उन्होंने रिवाइज नहीं किया, पढ़ा बहुत बहुत ज्यादा, उनको ये लगा जल्दी कवर कर लें तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिवीजन को थोड़ा सा हल्के में लिया, रिवीजन लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इतना भी अगर जो मैंने बेसिक चीजें शेयर की है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए या कितना नंबर सेफ है या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए करना चाहिए, इतनी चीज़ों को अगर आपने दिमाग में रखा हुआ है और आप इनको संभाल ले जाते हो एग्जाम हॉल में, इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर ले जाते हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत बेटर कर पा रहे हो उस सिचुएशन से जहां आप पहले थे। आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, पहली बार अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख लो मेरा तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अनुज चतुर्वेदी UPSC है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।